अगर आप कोई सस्ता लैपटॉप या नोटबुक खरीदते हैं तो आपको कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इससे भी सस्ते में जल्द ही मार्केट में एक बढ़िया लैपटॉप आने वाला है तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ दोस्तों, जियो लेकर आ रहा है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे एक बढ़िया लैपटॉप जो आ सकता है शायद 10,000 से 12,000 रुपए तक की कीमत पर। हाय एवरीवन, मैं हूँ गुंजन और आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करेंगे जियो के इस आने वाले लैपटॉप के बारे में जो आ सकता है जियो बुक के नाम से। जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह के फीचर्स इस लैपटॉप में हो सकते हैं, किस तरह का प्राइस रेंज होगा और क्या क्या होने वाला है इस लैपटॉप में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, एक्सटी डेवलपर्स की लेटेस्ट लीक्स की माने तो जियो के इस आने वाले लैपटॉप का नाम हो सकता है जियो बुक। जी हाँ, और देखने में वो इस तरह दिखेगा। इमेजेस में देखा जा सकता है कि ये लैपटॉप बिल्कुल एक रेगुलर लैपटॉप की तरह ही है, विद क्वर्टी कीपैड एंड ऑल। जो इमेजेस आप देख रहे हैं वो इस लैपटॉप के प्रोटोटाइप की हैं, जो फिलहाल अभी इंजीनियरिंग वैलिडेशन स्टेज में है। साफ शब्दों में कहूँ तो फिलहाल ये लैपटॉप अभी टेस्टिंग फेज में है। बात करें इसके फीचर्स की तो ऐसा कहा जा रहा है लीक्स में कि इस लैपटॉप में विंडोज सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। ये लैपटॉप बेसिकली एंड्रॉयड ओएस के साथ आएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जियो इस ओएस में कुछ कस्टमाइजेशंस और कुछ मॉडिफिकेशंस लेके आएगा, जिसकी वजह से शायद इसे जियो ओएस भी कहा जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लैपटॉप बेस तो एंड्रॉयड ओएस पर ही होगा, लेकिन इसमें आपको गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं मिलेंगी। इंस्टेड आपको इसमें मिलेंगी जियो की कुछ डेडिकेटेड एप्स, जैसे कि जियो मीट, जियो स्टोर, जियो पेजेस एंड जियो टीवी भी। वहीं जब बात आती है इस लैपटॉप के प्रोसेसर की तो ऐसा लीक्स में देखा गया है कि शायद ये लैपटॉप आ सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट के साथ। एंड इसी के साथ साथ आपको इस लैपटॉप में मिलेगा 4G LTE का सपोर्ट भी। जब बात आती है इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशंस की तो लीक्स में ऐसा सामने आया है कि पहले इस लैपटॉप के प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया था 2GB LPDDR4X RAM एंड 32GB eMMC स्टोरेज के साथ, लेकिन बाद में इसे टेस्ट किया गया 4GB RAM एंड 64GB eMMC स्टोरेज के साथ। तो बेसिकली कौन से वेरिएंट के साथ ये लैपटॉप लॉन्च होगा इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है कि 2GB 32GB के साथ ये लॉन्च हो जाए या फिर 4GB 64GB के साथ भी आ सकता है, तो इसकी क्लैरिटी के लिए अभी हमें वेट करना होगा। जब बात करते हैं डिस्प्ले की तो कोई खास इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप से रिलेटेड अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन लीक्स में ऐसा देखा गया है कि इस लैपटॉप की स्क्रीन 1366x768 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आ सकती है। बेसिकली गाइज, ये लैपटॉप शायद एक एंट्री लेवल लैपटॉप के रूप में लॉन्च हो सकता है, जो ई लर्निंग के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि आजकल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए मोस्टली लैपटॉप्स या टैब्स का यूज करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल अफोर्डेबल लैपटॉप्स और टैब्स की तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे में अगर जियो एक जियो बुक जैसा एक अफोर्डेबल लैपटॉप लेके आता है तो अपने आप में वो एक बड़ा सक्सेस हो सकता है। दोस्तों, इन सब बातों के अलावा लीक्स में एक और बात सामने आई है कि जियो अपने इस अपकमिंग लैपटॉप जियो बुक के लिए जल्द ही टाई अप करने वाला है चाइना की एक इंजीनियरिंग फर्म के साथ, ब्लू बैंक कम्युनिकेशंस। ब्लू बैंक नाम की ये चाइनीज फर्म दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स एंड डिवाइसेस डिजाइन करती है, जिनमें से बहुत से काई ओएस पे भी काम करते हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पहले भी ब्लू बैंक जियो के फोन्स के लिए सॉफ्टवेयर्स डिजाइन कर चुकी है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जियो के इस जियो बुक के लिए जब सॉफ्टवेयर्स डिजाइन किए जाएंगे तो किस तरह के बढ़िया फीचर्स के साथ ये लैपटॉप आ सकता है। तो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स और इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब सवाल उठता है कि कब ये लैपटॉप इंडिया में लॉन्च हो सकता है। फिलहाल इस बात पे अभी बहुत सी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, कोई भी क्लैरिटी इस बात पर नहीं आई है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि शायद ये लैपटॉप सेप्टेम्बर या अक्टूबर 2021 में लॉन्च हो सकता है, लेकिन कुछ भी गाइज अभी बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। एंड ऑनेस्टली इसकी लॉन्च डेट को लेकर अभी बहुत सी स्पेकुलेशंस जारी हैं, तो इसकी लॉन्च के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम श्योरली आपके साथ शेयर करेंगे।
सो गाइज ये था कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की आपके साथ जियो के अपकमिंग लैपटॉप जियो बुक के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। साथ ही कमेंट बॉक्स में गाइज मुझे लिखकर ये जरूर बताएं कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जियो बुक के बारे में एंड किस तरह की प्राइस रेंज आपको लगता है जिसके साथ ये लॉन्च हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगी कुछ मजेदार टेक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मिस्टर फोन हिंदी एंड कीप वॉचिंग आवर ऑसम टेक वीडियोस।